यहाँ हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 क्यों होती है। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक एबीसी ट्रायंगल लिया है जो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका हर एक साइड ए है। अब उसमें क्या किया, ए से मैंने बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाला एडी। मैंने क्या किया, एडी पर बीसी डाला। अब क्या होता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करेगा, यानी ये पूरा ए था तो उसका आधा हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। अब क्या करना है, राइट ट्रायंगल ले लिया ए डी बी, उसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, बी डी, और परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। ए बी को मैंने क्या माना है, ए, ए का स्क्वायर। बी डी क्या है, ए बाई टू का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया, ए बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा प्लस ए डी स्क्वायर। अब इसको यही छोड़ दिया, इसको इस तरफ ले आए तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर। फोर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, थ्री ए फोर ए। लेकिन हमें ए डी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए डी चाहिए इसका पूरा। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, फोर का थ्री ऐसे रह गया। अब जो हमारा ओरिजिनल सिचुएशन 60 चाहिए था, तो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, AD क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, AD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। AD की वैल्यू क्या है, रूट थ्री बाई टू ए, और AB की वैल्यू क्या है, A। A कैंसिल हो गया, यानी रूट थ्री बाई टू। अब जब ये कर ही लिया है तो एक और चीज कर ही लेते हैं, यहाँ पर ये एक ये 90 डिग्री है, ये 60, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम साइन 30 निकालें, साइन 30, तो वो क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी। बी डी की वैल्यू क्या है, ए बाई टू, और ए बी की वैल्यू तो आपको दिख रही है, ए, ए कैंसिल हो गया 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2। और यहाँ पर मैंने कह दिया कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो बाइसेक्ट करेगा, वो बाइसेक्ट कैसे करेगा उसका प्रूफ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो बेसिकली क्लास 9th का आइडिया है, लेकिन मैंने उसे भी करके दिखा रखा है कि कैसे वो बाइसेक्ट करेगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ।